बॉलीवुड स्टार्स के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना आम बात है। कई स्टार्स शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रहे, लेकिन मौजूदा जोड़ियों में कई स्टार्स ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को तलाक देकर, अपने टीनेज बच्चों को छोड़कर, अपनी यंग गर्लफ्रेंड के साथ एक ही छत के नीचे रहकर इश्क फरमा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं अर्जुन रामपाल की। अर्जुन ने मॉडल मेहर जैसिया से साल 1998 में शादी की थी और 20 साल बाद उन्होंने बीवी से अलग होने का फैसला लिया। अर्जुन रामपाल की दो जवान बेटियां हैं, एक की उम्र 18 साल तो दूसरी की 15 साल। बीवी को तलाक देने के बाद अब अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रियला डेमेट्रियडिस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। यही नहीं, गैब्रियला शादी के बिना ही एक बेटे की माँ भी बन चुकी है। बीते साल गैब्रियला और अर्जुन एक बेटे के पेरेंट्स बने। मलाइका के एक्स हस्बैंड वे एक्टर अरबाज खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अरबाज खान ने मलाइका को तलाक देने के बाद इटालियन मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट करना शुरू किया। खबरों की माने तो अरबाज और जॉर्जिया एक साथ रहते हैं और खान परिवार ने भी इनके रिश्ते को मंजूरी दे दी है। अरबाज का बेटा अरहान खान 17 साल का है। अरहान भी कई बार अरबाज और जॉर्जिया के साथ नजर आ चुका है। कहा जाता है कि अरहान की अपने पापा की गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। वहीं अरबाज की पहली बीवी यानी कि मलाइका अपने से छोटे एक्टर अर्जुन कपूर से इश्क लड़ा रही हैं, लेकिन अरहान को अपने मम्मी पापा के अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर में बात करते हैं फरहान अख्तर की। फरहान ने पहली शादी अधूना भबानी से साल 2000 में की थी। 17 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। अधूना को डिवोर्स देने के बाद फरहान मॉडल वीजे शिबानी डांडेकर को डेट कर रहे हैं। फरहान शिबानी के साथ लिव इन में रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। फरहान की दोनों बेटियां शाकिया और अकीरा टीनेज में हैं। तलाक के बाद भी वो अपनी बेटियों से जुड़े हुए हैं। फरहान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तलाक के बारे में अपनी बेटियों से बात करना उनके लिए आसान नहीं था। तो ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने बीवी बच्चे छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहने का फैसला लिया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।